दोस्तों हाल ही में मैंने एक गुजराती सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म देखा है जिसका नाम वश है और इस फिल्म को कृष्णदेव याग्निक डायरेक्ट करे हैं। आईएमडीबी पे फिल्म को मिले हैं एन अमेजिंग 8.3 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे इस फिल्म की रेटिंग अवेलेबल नहीं है। ये फिल्म काफी अमेजिंग है, साथ ही अजय देवगन और आर माधवन की अपकमिंग फिल्म शैतान शायद इस फिल्म की रीमेक होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम वश फिल्म की कहानी को जानते हुए इसके एंडिंग को डिस्कस करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही फिल्म गुजराती में थी विद नो सबटाइटल्स, तो अगर मुझसे कोई मिस्टेक होती है छोटी मोटी तो मुझे माफ भी कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म के शुरुआत में हमें एक मरा हुआ चूहा दिखाया जाता है और एक अनजान आदमी पॉलिथिन बैग में इस चूहे को रख लेता है। देन वो अपने घर जाकर एक कटोरी में चाय पत्ती भर लेता है और उसके साथ वो चूहा वाला पॉली बैग लेता है, साथ ही एक केला भी उठा लेता है। ये सब लेकर वो एक अजीब से कमरे में एंटर करता है। यहाँ से सीन चेंज होता है जब हम आर्या नाम की लड़की से मिल पाते हैं जो की एक कॉलेज स्टूडेंट है। आर्या के पिता उसे कॉलेज से पिक करने आए होते हैं जिनका नाम अथर्व है और अथर्व एक पायलट है। कार में आर्या अपने पिता से कहती है कि वो अपनी फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे जाना चाहती है और अथर्व श्योर नहीं था कि वो आर्या को इस ट्रिप के लिए अलाउ करे या नहीं करे, लेकिन आर्या एकदम जिद करने लग जाती है और इनकी ये डिस्कशन घर पे कंटिन्यू रहती है। घर पे हम आर्या की मॉम से भी मिल पाते हैं जिनका नाम वीणा है और आर्या का छोटा भाई भी है जिनका नाम अंश है। डिनर टाइम भी आर्या ट्रिप पे ही जाने की जिद कर रही थी और फाइनली अथर्व इसके लिए अग्री कर जाते हैं, लेकिन अथर्व के कुछ कंडीशंस थे, लाइक उन्हें आर्या के सभी फ्रेंड्स का नाम और फोन नंबर चाहिए था एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि आर्या को हमेशा अपना लाइव लोकेशन ऑन रखना होगा। आर्या इसके लिए मान जाती है और अथर्व कहते हैं कि फ्रेंड्स ट्रिप से पहले अपन एक फैमिली ट्रिप करते हैं फार्म हाउस चल के। बस फिर क्या था, अगले दिन अथर्व की पूरी फैमिली अपने फार्म हाउस की तरफ निकलते हैं और रास्ते में ये लोग एक रेस्टोरेंट पे रुकते हैं। यहाँ खाना में ये लोग पराठा मंगवाते हैं और आर्या इस पराठा को खाने से मना कर देती है क्योंकि इसमें बहुत ऑयल था। अथर्व अपने लिए चाय लेने जाते हैं लेकिन उनके पास 10 रुपए चेंज नहीं थे। ऐसे में वही रेस्टोरेंट में बैठा एक अनजान इंसान अथर्वा को चेंज ऑफर करता है। इसके बाद वही अनजान आदमी अथर्वा के फैमिली टेबल पे आके बैठ जाता है और पूरे परिवार से फ्रेंडली होने लगता है। वो अपना नाम प्रताप बताता है और प्रताप आर्या को पराठा खाने को कहने लगता है। नाउ ऑफ कोर्स आर्या ये ऑयली पराठा तो खाती नहीं, इसलिए वो मना करने लगती है और ऐसे में प्रताप अपने पास से एक छोटी डिब्बी निकालता है और कहने लगता है कि इसमें शक्कर है, आइदर पराठा खा लो या फिर ये शक्कर खा लो। सभी को ये सब मजाक लग रहा था और ऐसे में आर्या प्रताप द्वारा दिया गया शक्कर खा लेती है। अब इसे खाते आर्या को थोड़ा अजीब फील होता है एंड देन प्रताप वापस से आर्या को अपना पराठा खाने कहता है। इस बार आर्या बिना सवाल जवाब किए अपना पराठा पूरा खा जाती है, which was very weird. इसके बाद ये लोग खा पी के रेस्टोरेंट से निकलते हैं और जाने से पहले प्रताप आर्या को वापस से कुछ तो देता है saying कि फार्म हाउस पहुंच के ये खा लेना। अगेन आर्या उसकी बात को सुन के हामी भरती है, which was very unusual, क्योंकि आर्या एक ऐसी लड़की थी जो कि किसी की एक नहीं सुनती थी, लेकिन वो प्रताप की हर बात सुन रही थी। इनफैक्ट फार्म हाउस पहुंच के वो सबसे पहले उस पैकेट से बिस्किट निकाल के खाती है एंड दिस इज वेरी वेरी वियर्ड क्योंकि प्रताप तो एक अनजान आदमी है, तो फिर उसकी बात आर्या इतना क्यों सुन रही है। खैर फार्म हाउस पे पूरा परिवार खूब इंजॉय करने लगता है और वीना नोटिस करती है कि प्रताप इनके फार्म हाउस के बाहर खड़ा था। वो ये बात अथर्व को बताती है और अथर्व प्रताप से मिलने जाता है। प्रताप का कहना था कि उसका फार्म हाउस भी पास ही में है और उसकी गाड़ी खराब हो गई है, साथ ही उसके फोन में नेटवर्क तो नहीं आ रहा और फोन की बैटरी भी डेड हो गई है। तो ऐसे में क्या वो अथर्वा के फार्म हाउस का लैंडलाइन इस्तेमाल कर सकता है अपनी बेटी को कॉल करने के लिए। ये सुनकर अथर्वा अग्री कर जाता है और वो प्रताप को घर के अंदर लेके आता है। प्रताप लैंडलाइन से एक नंबर ट्राई करता है लेकिन फोन कनेक्ट नहीं होता। हम देख पाते हैं कि प्रताप यहाँ आर्या पे नजर रख रहा था और अब भी आर्या उसकी हर बात मान रही थी। प्रताप आर्या से बातें भी करने लग जाता है, इनफैक्ट वो घर में अंश से भी ऐसे बात कर रहा था मानो वही फैमिली का हेड हो, आई मीन वो दोनों बच्चों को एकदम कमांड दे रहा था। नाउ ऑफ कोर्स वीना प्रताप के घर में आने से खुश नहीं थी क्योंकि उनका ये फैमिली टाइम था और कोई आउटसाइडर उनके घर में आ गया था, लेकिन अथर्वा का कहना था कि हम बस हेल्प कर रहे हैं, नाश्ता पानी करके प्रताप चला जाएगा। खैर आर्या प्रताप से बात कर रही होती है जब वो उसे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है, देन वो अपने अपकमिंग लद्दाख ट्रिप के बारे में बताती है एंड वगैरह वगैरह काफी सारे पर्सनल बातें करती है। प्रताप कहता है कि तुम कोई लद्दाख ट्रिप पे नहीं जाओगी, इनफैक्ट तुम मेरे साथ मेरे घर आओगी। तभी अंश आर्या की तरफ बॉल फेंकता है और ऐसे प्रताप आर्या से कहता है
कि जाओ अपने भाई को एक थप्पड़ मार के आओ। आर्या फौरन जाती है और अंश को जोर से थप्पड़ मार देती है। अंश रोने लगता है और आर्या के माता पिता वहां के आर्या पे भड़क जाते हैं। आर्या कहती है कि मुझे अंकल ऐसा करने को कहे थे, और इस पॉइंट पे फैमिली में सभी प्रताप से इरिटेट होने लग गए थे। अब खाना खाते वक्त प्रताप फिर से इनके फैमिली मैटर्स में दखल अंदाजी करने लगता है और वो कहने लगता है कि मुझे आपकी फैमिली के बारे में सब पता है। वो आर्या से कहता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को फोन लगाओ और उससे ब्रेकअप कर लो। सरप्राइजिंगली आर्या एग्जैक्टली ऐसा ही करती है और ये सब देखकर आर्या के पेरेंट्स बहुत घबरा जाते हैं। अथर्वा फौरन प्रताप को यहाँ से निकलने कहता है, लेकिन प्रताप अब जाने के लिए तैयार ही नहीं था। ऐसे में यहाँ थोड़ी बहुत हाथापाई शुरू हो जाती है और प्रताप आर्या से कहता है कि अपने मॉम डैड को मुझे निकालने से मना करो। नाउ आर्या एकदम से अपने पिता से ही लड़ने लग जाती है, सेइंग कि आप अंकल को बाहर मत भेजिए। वो अपने पिता को धक्का देने लगती है और आर्या का ये बर्ताव एकदम पागलों जैसा था। यहाँ प्रताप आर्या से चाय पत्ती खाने कहता है और आर्या बिना सोचे समझे चाय पत्ती खाने लग जाती है। ये सब देख के क्लियर था कि प्रताप आर्या को अपने वश में कर लिया था और उसका वशीकरण बहुत स्ट्रांग था। प्रताप आर्या को हंसवाता है, रुलवाता है, दोनों एक साथ करवाता है। इनफैक्ट आर्या से कह के उसके ही पिता को थप्पड़ तक मरवा देता है। ना प्रताप आर्या से कह के सबसे पहले सबका मोबाइल तोड़वाता है, देन लैंडलाइन का केबल कटवाता है और फिर अपना पांव दबवाने लगता है। प्रताप कहता है कि वो आर्या को अपने साथ ले जाना चाहता है और ये सुन के आर्या के माता पिता गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं कि प्लीज ऐसा मत करो। प्रताप कहता है कि आप लोग आर्या को मेरे साथ जाना अलाउ करो, वरना मैं आपके बिना मर्जी के भी आर्या को ऑर्डर देके भी यहां से ले जा सकता हूं। आपका परमिशन तो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी प्रॉपर सेंड ऑफ नहीं हुआ, तो फ्यूचर में कहीं आर्या के अंदर अपने पेरेंट्स यानी आपके लिए प्यार जाग जाएगा तो मेरा वशीकरण टूट जाएगा। तो आप कह दो कि आप अपनी बेटी को आजीवन अर्पण कर रहे हो मेरे लिए और मैं आर्या को लेके आप सबको बिना हार्म के यहां से निकल लूंगा। अथर्वा सीधा मना करता है और बोलता है कि कुछ भी हो जाए हम अपनी बेटी को तुम्हें नहीं सौंपेंगे। एंड अथर्वा पूछता भी है कि तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। इसमें प्रताप कहता है कि मैं एक राक्षस जैसा हूँ, कोई मेरे सामने तड़पता है और गिड़गिड़ाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा कह के प्रताप आर्या को एक लात मारता है और इसके रिएक्शन में अथर्वा प्रताप को पीटने लग जाता है। प्रताप आर्या से कह के पहले अथर्वा पे हमला करवाता है और इससे बात नहीं बनती तो वो आर्या को अंश पे हमला करने कहता है। आर्या अंश का सर पटक देती है जिसके परिणाम अनुसार अथर्वा और वीना अंश की मरहम पट्टी में लग जाते हैं। खैर तो अंश की मरहम पट्टी करने के बाद जब पेरेंट्स वापस हॉल में आते हैं तो प्रताप इन पे बहुत भड़का हुआ था क्योंकि अथर्व अभी अभी उसको पीटा था। प्रताप आर्या से चाकू लाने कहता है एंड देन वो आर्या से कहता है कि अगर तुम्हारे मम्मी पापा मुझे दोबारा मारने की कोशिश करते हैं तो तुम उन्हें चाकू से स्टैब कर देना। इसके बाद वो अथर्वा से जमीन पे उसकी नाक रगड़वाता है और अथर्वा रोते हुए प्रताप से उसकी फैमिली को छोड़ देने की भीख मांगता है। लेकिन प्रताप के अंदर एकदम भी दया नहीं थी, इनफैक्ट वो तो आर्या को सॉन्ग बजवा के नचवाने लगता है। आर्या बिना रुके डांस करने लगती है और थक जाने के बावजूद वो रुक ही नहीं पा रही थी। एक पॉइंट पे स्पीकर की बैटरी खत्म हो जाती है और तब जाके आर्या फाइनली रुकती है। प्रताप आर्या को पानी तक पीने नहीं दे रहा था और उसकी ये हालत देखकर वीना बहुत तड़प रही थी। इस पॉइंट तक अथर्वा अपने आपे से बाहर हो रहा था और वो एक बैट लेकर प्रताप को मारने हॉल में जाता है, लेकिन वहां आर्या प्रताप की गार्डिंग कर रही थी। आर्या इतने टाइम से सेम जगह पे खड़ी थी, इनफैक्ट वो वॉशरूम भी नहीं जा पाई थी जिस वजह से वो वहीं पे पी भी कर देती है। प्रताप वीना से कहता है कि तुम मेरे सामने आर्या के कपड़े बदलो और वीना इसके लिए मना करती है। उस समय प्रताप आर्या से कपड़े उतारने कहता है और वीना ये सब सुन के बहुत गिड़गिड़ाती है। इन द एंड वीना को आर्या का पैंट वहीं पे बदलना पड़ता है और इस हरकत से वीना पूरी तरह टूट चुकी थी। इस पॉइंट पे मैं आपको एक सटल डिटेल दे दूं कि अथर्वा के पास एक ऑफिस मोबाइल भी था जो कि हॉल में ही एक बैग में सुरक्षित था और वो अपने दूसरे फोन को भी चार्ज करके ऑन करने की कोशिश में था जो कि प्योरली नहीं टूटा था। खैर आगे प्रताप और भी घिनौनी हरकत करना शुरू करता है। वो अथर्वा और वीना को 5 मिनट देता है ताकि वो लोग अपने बेटे अंश को छुपा सके, क्योंकि 5 मिनट के बाद आर्या अंश को ढूंढ के मार डालेगी। अथर्वा और वीना तड़पते हुए अपने बेटे अंश को एक कमरे में लॉक कर देते हैं और कुछ मिनट बाद आर्या प्रताप के कहने पे एकदम क्रोध में अंश को मारने जाती है। वो लॉक्ड कमरे पे बार बार हमला करके उसे खोल देती है, लेकिन अंश उस कमरे में नहीं था, यानी कि अथर्वा और वीना उसे घर में ही कहीं और छुपा दिए थे और आर्या अंश को हर जगह खोजने लगती है। इस सब के दौरान अथर्वा चुपके से अपना ऑफिस वाला मोबाइल बैग से निकाल लेता है। नाउ कमिंग टू आर्या, वो डिस्कवर कर लेती है कि शायद अंश छत पे होगा और वो उसे मारने ऊपर जाती है। यहाँ अथर्वा और वीना आर्या को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन आर्या उन्हें भी चोटिल कर देती है। अंश वाकई छत पे ही था और वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन आर्या उसका सर पटकने लगती है और फाइनली वो अंश को छत से ही गिरा देती है। पेरेंट्स फौरन अंश के लिए नीचे जाते हैं और अंश बुरी तरह जख्मी था, उसकी सांसें तो चल रही थी लेकिन अगर उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाया जाता तो अंश मर सकता था। यहाँ प्रताप कहता है कि वो चाहे तो अभी के
भी आर्या के हाथों अंश को मरवा सकता है, लेकिन वो उन्हें एक मौका देता है। अगर ये लोग अंश को हॉस्पिटल ले जाना चाहते हैं तो इन्हें आर्या का अर्पण करना होगा, यानी इन्हें कहना होगा कि वो आर्या को प्रताप के साथ जाने देना चाहते हैं। इस परिवार की हालत इतनी खराब थी कि ये लोग चिल्लाते हुए फाइनली कह देते हैं कि हम अपनी बेटी को तुम्हें अर्पण करते हैं। जाने से पहले अथर्वा अपनी बेटी को हग करता है और उसके पैंट के पॉकेट में चुपके से मोबाइल डाल देता है ताकि वो अपनी बेटी के लोकेशन को ट्रैक कर पाएगा। इसके बाद प्रताप आर्या को लेकर चला जाता है और अथर्वा अपनी बीवी वीणा से अंश को हॉस्पिटल ले जाने कहता है। मीनवाइल वो खुद आर्या के लोकेशन को दूसरे फोन में ट्रैक करते हुए उसे ढूंढने लगता है। ट्रैकिंग करते हुए अथर्वा एक अजीब लोकेशन पे पहुंचता है जो कि मोस्टली प्रताप का अड्डा था, और यहाँ प्रताप कई लड़कियों को अपने वशीकरण का शिकार बना के रखा था। इन लड़कियों को वो जेल जैसी जगह में रखता था और इनसे हर तरह के काम करवाता था। प्रताप आर्या से कहता है कि यहाँ की लड़कियाँ तुम्हारी बहनें हैं और अब तुम यहाँ रह के मेरा कामकाज करोगी। अब जब अथर्वा इस लोकेशन में घुसता है तो प्रताप के वशीकरण में फंसी लड़कियाँ उस पे हमला कर देती हैं। वो लोग अथर्वा को बुरी तरह मारती हैं और अथर्वा चोटिल होकर जमीन पे पड़ा था। अथर्वा जानता था कि वो अब मारा जाएगा, इसलिए वो एक आखिरी ख्वाहिश रखता है, एंड दैट वाज कि वो आर्या के ही हाथों मारा जाए। प्रताप इस बात को मान लेता है और वो आर्या को ऑर्डर करने ही वाला होता है कि अपने बाप को मार डालो, लेकिन इससे पहले अथर्वा कैंची यानी सीजर्स को आर्या के दोनों कानों में घुसेड़ देता है, जिससे आर्या सुन ही नहीं पाएगी। अब जब आर्या सुन ही नहीं पाएगी तो वो प्रताप की बात मानेगी कैसे? इसके बाद अथर्वा प्रताप पे सडन हमला करके उसे गिरा देता है, और इससे पहले प्रताप कुछ बोल पाए अथर्वा उसकी जुबान ही खींच लेता है। प्रताप अब कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, यानी आर्या तो बच ही गई, साथ ही वहां कई और लड़कियां भी अब प्रताप के चंगुल से शायद निकल पाएंगी। अब यहां सीन कट होता है और हम वापस से मूवी के पहले वाले सीन पे फोकस करते हैं, जहां एक इंसान मरा हुआ चूहा पोली बैग में रखता है। ये बंदा और कोई नहीं बल्कि अथर्वा था, जो कि अब थोड़ा एजेड दिख रहा था, साथ ही उसकी दाढ़ी वगैरह बढ़ चुकी थी, काइंड ऑफ वो नॉर्मल नहीं दिख रहा था। देखा जाए तो वो काफी ज्यादा सीरियस और ब्रोकन लग रहा था। हम समझ पाते हैं कि ये सीन तकरीबन 10 साल बाद का है और वो अपने घर के एक कमरे में प्रताप को कैद करके रखा है। जी हाँ दोस्तों, अथर्वा प्रताप को चाय पत्ती और मरा हुआ चूहा खाने देता है और उसके सामने खुद केला खाता है। प्रताप गिड़गिड़ा रहा था कि मुझे भी केला खाने दो, लेकिन उसे केला नहीं दिया जाता। तो इसका मतलब आप लोग समझे, अथर्वा इतने सालों से प्रताप को अपने कैद में तड़पा रहा था, ठीक उसी तरह जिस तरह प्रताप अथर्व की फैमिली को तड़पाई थी उस रात। अथर्व यहाँ प्रताप से कहता है कि तू खुद को शैतान कहता था ना, लेकिन तेरे लिए मैं ही शैतान हूँ। इसके बाद अथर्वा वापस अपने घर के अंदर आता है, जहाँ हम वीणा और उसके बेटे अंश की तस्वीर देखते हैं। हम समझ पाते हैं कि वो दोनों उसी रात हॉस्पिटल जाते वक्त एक्सीडेंट में मारे गए थे। इनफैक्ट आर्या भी आज तक वशीकरण से बाहर नहीं आ पाई है। हम आर्या को देख पाते हैं जो कि बहुत बुरे हाल में थी, मानो वो कोई जिंदा लाश हो, और अथर्वा यहाँ अपनी बेटी को अपने हाथों से पानी पिलाता है। देखा जाए तो अथर्वा भी सब कुछ खो दिया था, लेकिन अब वो प्रताप को जिंदगी भर तड़ पाएगा। यहीं पे वह फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म की कहानी, और इस फिल्म का प्लॉट काफी यूनिक और डिफरेंट सा था। प्रताप एक ऐसा इंसान था जिसके पास किसी को भी वश में करने की विधि थी। वो अपने विक्टिम को शक्कर जैसे दाने खिला देता था, जिसके बाद विक्टिम पूरी तरह प्रताप के वश में होगी। ऑल्दो उसका वशीकरण समय के साथ टूट सकता था, लेकिन अगर प्रताप लड़की के पेरेंट्स से उसे ले जाने का परमिशन ले ले तो वशीकरण कभी नहीं टूटेगा। यही वजह हो सकती है कि प्रताप सिर्फ यंग लड़कियों को ही टारगेट करता था। अब फिल्म के एंड में भले अथर्वा प्रताप को कैद कर लिया, लेकिन वो सब कुछ खो चुका है। अथर्वा के परिवार में अब सिर्फ आर्या ही बची है, जो कि आज तक वशीकरण में है, और शायद वो कभी ठीक भी नहीं हो पाएगी। रही बात उन लड़कियों की जो कि प्रताप के चंगुल में थी, वेल, उनका भी हाल शायद आर्या जैसा ही हुआ होगा, क्योंकि उनका वशीकरण भी टूटा नहीं होगा। जो भी हो, इन द एंड प्रताप को तड़पते और गिड़गिड़ाते देख दिल को सुकून जरूर मिला। नाउ एज आई सेड बिफोर, मैं ये फिल्म गुजराती में विदाउट सबटाइटल्स देखा हूं, तो हो सकता है कि मुझसे यहां कुछ मिस्टेक्स हुई हों। अगर ऐसा है तो कमेंट से मुझे जरूर करेक्ट कीजिएगा। वैसे गुजराती मुझे सरप्राइजिंगली ठीक ठाक समझ आ रही थी, मुझे भी नहीं पता था कि मुझे आती है समझ। हिंदी से काफी सिमिलर साउंड कर रहा था, मे बी इसलिए। एंड यस, शैतान फिल्म इसी फिल्म की काइंड ऑफ रीमेक है, तो उस फिल्म का मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार है। जब भी वो फिल्म आएगी तो ऑफकोर्स मैं अपने चैनल पर कवर करूंगा ही। नाउ मुझे वश मूवी काफी पसंद आई है, एंड आई होप कि शैतान भी ऐसी ही अमेजिंग फिल्म हो। आप भी बताइएगा आपको ये फिल्म कैसी लगी। नाउ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।